नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की बात करेंगे, जिसका आज तीसरा दिन है। देखिए, सुबह से ही यहां पर अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का आना शुरू है। बता दें आपको, 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 67 जिलों में 1,164 परीक्षा केंद्र जो बनाए गए हैं, वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। नकल रोकने के लिए इस बार यूपी सरकार ने पूरी ताकत झोंक रखी है। यूपी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सॉल्वर गैंग के साथ हर संदिग्ध पर पुलिस, एसटीएफ, एटीएस, एलआईयू की पैनी नजर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, जो जानकारी देंगे आज तीसरे दिन की परीक्षा के बारे में। लखनऊ से हमारे साथ अलाउद्दीन है, आजमगढ़ से हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय हैं, आगरा से कामिर कुरैशी हैं, मेरठ से निखर अग्रवाल हैं। सबसे पहले चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां से अलाउद्दीन जानकारी देंगे। अलाउद्दीन, आज तीसरे दिन की परीक्षा है, दो दिन की परीक्षा बेहतर निकली, शांतिपूर्ण तरीके से निकली और ठीक वैसे निकली जिसकी पूरी उम्मीद थी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ना रहे, जिसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी थी। आज तीसरे दिन की परीक्षा है, आज की तैयारी किस तरह की प्रबल दिखाई दे रही है और क्या इस समय की अपडेट्स हैं? देखिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है लखनऊ का, वहां से तस्वीरें साफ तौर से आप देखें। यहां पर तैयारियां मुकम्मल हैं, दो दिन की परीक्षा हो चुकी है। आज की जो परीक्षा है वो 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में है। साफ तौर से आप देखें तो जो परीक्षार्थी हैं उनको अंदर लिया जा रहा है, बाहर जो है बोर्ड चस्पा किया गया है, साथ ही सीसीटीवी कैमरा बाहर तक लगाया गया है, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं अंदर। साफ तौर से आप देखें तो लंबी लाइनें दो लगी हैं, एक जो महिला अभ्यर्थी है उनकी, एक पुरुष अभ्यर्थियों की लाइन लगी हुई है और तमाम अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले दो दिनों से परीक्षा चल रही है और उत्तर प्रदेश के तमाम सेंटर पर 60,000 से ज्यादा पदों के लिए। तो ऐसे में आज 10 से लेकर के 12 तक पहली पारी की, जबकि सेकंड हाफ की परीक्षा भी इसी सेंटर में होनी है। खास बात यह है कि क्योंकि सरकारी संस्थानों को, सरकारी इंस्टीट्यूट को ही सेंटर बनाया गया है। अलाउद्दीन, आप अभ्यर्थियों से बात भी कर सकते हैं, कैसी तैयारी है इनकी? चाक चौबंद व्यवस्था के साथ साथ तमाम लोगों को इस बात की भी ताकीद की गई है कि कोई व्यक्ति खासतौर से मोबाइल, कैलकुलेटर या नकल का सामान लेकर के ना आए। तो ऐसे में आप साथ देखे तो अभ्यर्थी लगातार देखिए अंदर जा रहे हैं। आइए, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करता हूं। आज बिल्कुल देखिए परीक्षार्थी जा रहे हैं, तो सुबह का वक्त है, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आज आपकी परीक्षा है, कैसी तैयारी है? तैयारी ठीक है सर, अब क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलेगा कैसा है, क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि नहीं आता भी है। तैयारी तो अपना जिस हिसाब से चल रहा था ठीक है। दो दिनों से परीक्षा चल रही है, क्या अपने साथियों से, लोगों से कुछ फीडबैक आपने ली? कैसा रही, कैसा पेपर है? पेपर तो ठीक था, बहुत कठिन नहीं था, पेपर आसान था। जो इससे पहले पेपर हुआ है 24-23 को, पेपर ठीक था। 150 सवाल आए हैं, कितने अटेम्प्ट लोगों ने आमतौर से किए आसानी से? सर ये तो जो पहले का पेपर है वो सब आसानी से इजी हल हो जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अलाउद्दीन आपके पास आजमगढ़ चलेंगे, जहां से अभिषेक उपाध्याय जानकारी देंगे। अभिषेक, देखिए दोनों दिन की परीक्षा, यानी कि कल परसों की और कल की परीक्षा, जहां पर छिटपुट कुछ घटनाएं भी देखी गई हैं, कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं, शरारती तत्व पकड़े गए हैं जो परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तीसरे दिन की तैयारी पक्की है और आज भी अभ्यर्थी एक बार फिर से अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आप आजमगढ़ के किस इस समय सेंटर पर मौजूद हैं, कैसी तैयारियां व्यवस्था आपको नजर आ रही है और अभ्यर्थियों से बातचीत करके हमारे दर्शकों को बताइए कैसी तैयारी वो कर आए हैं? यकीनन कंचन, तस्वीरें जी आई सी इंटर कॉलेज का है, जहाँ पर न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पर है और आप देख सकती हैं तस्वीरों में कि आज पुलिस अभ्यर्थी परीक्षा का आज तीसरा दिन है, जहाँ पर चार चौवन व्यवस्था किए गए हैं। अभी से अभ्यर्थी जो है लाइन में कतार में खड़े हो चुके हैं और अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ की बात अगर की जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से जो शुचिता परीक्षा की थी उसको सकुशल बनाने के लिए यहाँ पर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। सीसीटीवी कैमरे के साथ ही परीक्षा केंद्र पर जो पुलिस फोर्स लगे हुए हैं वो बारीकी से चेक कर रहे हैं और उनके हाथ में चाहे स्मार्ट वॉच हो, चाहे मोबाइल फोन हो या जेब में रखे क्वाइन हो, उनको बारीकी से चेक किया जा रहा है, उसे निकाला जा रहा है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से अभी तक दो दिनों का परीक्षा सकुशल संपन्न हुआ है, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिला प्रशासन आजमगढ़ में पूरी तरीके से अलर्ट है। कारण कि आजमगढ़ शिक्षा माफियाओं का केंद्र बना हुआ था, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। शायद यही कारण है कि अभी तक जो परीक्षा हुई है उसकी शुचिता बनी हुई है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका, किस तरीके की तैयारी परीक्षा का? अच्छी तैयारी है, मेरा नाम संजय गुप्ता है और कुशीनगर जिला के रहने वाले हैं। तैयारी अच्छी है, पेपर भी है, काफ़ी व्यवस्थाएँ अच्छी की गई हैं यहाँ पे। परीक्षा का आज तीसरा दिन है, शुचिता बनी हुई है, क्या कहेंगे आप?
मतलब सब कुछ अच्छी चल रही है, पीछे का मतलब कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिसकर्मी तो नहीं समझ पाए जितने नए बच्चे नौकरी पाएंगे 100 रुपए महीना बुला के देंगे। तो निश्चित तौर पे जो अभ्यर्थी है उनका साफ तौर पे कहना है कि जो इस बार की तैयारियां है प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से पूरी चाक चौबंद है, शायद यही कारण है कि अभी तक ठीक है। अभिषेक, ये आपके पीछे किसने बोर्ड ले रखा है, इस बैनर में क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में बताइए जरा, क्या जानकारी दी जा रही है यहाँ पर अभ्यर्थियों को? तौर पर आपको दिखाना चाहेंगे, हम आज भी गुलाम है, आजादी केवल अंग्रेजों से है। इस तरीके का एक बोर्ड लगाकर अभ्यर्थियों को जो है जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, जो राजीव तलवार नामक एक व्यक्ति है जो यहाँ पे अभ्यर्थियों को जागरूक कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दो दिन की परीक्षा, कामिर कुरैशी के पास चलेंगे, आगरा से लाइव हमारे साथ मौजूद है कामिर कुरैशी। दो दिन की परीक्षा में लाखों छात्र जो हैं पूरे देश से, सबसे ज्यादा बिहार से, राजस्थान से यहां पर पहुंचे हुए हैं, मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश के छात्र नहीं है, और राज्यों के भी यहां पर छात्र पहुंचे हुए हैं। तो ये चुनौती बड़ी है योगी सरकार के आगे, लेकिन जितने छात्रों से बातचीत हो रही है सब योगी सरकार के इन तैयारियों की पूरी तरह से सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। आप आगरा के किस समय सेंटर में मौजूद हैं, और आपके पीछे भी हम काफी संख्या में अभ्यर्थी देख सकते हैं, आप उनसे चर्चा करिए, तैयारी कैसी है उनकी और व्यवस्था उनको कैसी लग रही है, इस पर जानकारी लीजिए कामिर कुरैशी। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर आज परीक्षा का जो तीसरा दिन है और दो दिन की परीक्षा समाप्त हो चुकी है, दो दिन की परीक्षा समाप्त होने के बाद जो अभ्यर्थी हैं उनके भी साफ व्यू सामने आए कि इस बार परीक्षा चाक चौबंद व्यवस्था के बीच हुई है। पिछली बार जो पेपर आउट हुआ, इस बार उम्मीद है पेपर आउट नहीं होगा। तीसरा दिन परीक्षा का है, तस्वीर आपको दिखा देते हैं, आगरा के एक सेंटर की तस्वीर है, ये बीडी जैन गर्ल्स कॉलेज है और यहाँ पर ये सेंटर पड़ा है। सबसे पहले यहाँ पर जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनकी बायोमेट्रिक हो रही है, बायोमेट्रिक के बाद पूरी जांच पड़ताल के बाद उसके बाद उनकी चेकिंग की जा रही है, चेकिंग के बाद मेटल डिटेक्टर से चेक हो रहा है, उसके बाद उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं परीक्षा के तीसरे दिन भी उसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, चेकिंग है, जो पिछले दो दिन से हो रही है। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं, आप डायरेक्ट हम उन्हीं से भी बात करेंगे, आप बताइएगा कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार कैसी तैयारी है इस बार, क्या कहेंगे परीक्षा? तैयारी बढ़िया, अब देखते हैं। आप बताइए कहाँ से हैं? बिहार से ही है। बिहार से है। योगी सरकार इस बार सख्त है परीक्षा को लेकर, क्या लग रहा है आपको, पिछली बार जो पेपर आउट हुआ और इस बार कितना डिफरेंट? पेपर लीक हुआ था इसके लिए हमको बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि उतना दूर से आकर के मतलब परीक्षा रद्द हुआ, फिर दोबारा आना पड़ रहा है, इसके लिए तकलीफ बहुत ज्यादा है। तो अभी सरकार से यही रहेगी कि अभी मतलब वो सब नहीं हो पाए अच्छी तरीके से पेपर। बताइए कहाँ से आए? एटा से। की तैयारी है परीक्षा? अच्छी तैयारी है। सुरक्षा व्यवस्था आपको कैसी लग रही है? सही सिस्टम लग रहा है। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे ही बात करेंगे, आप बताइएगा कहाँ से? हाथरस। सुरक्षा व्यवस्था है कैसी, चेकिंग है, और एग्जाम की कैसी तैयारी? एग्जाम की तैयारी पहले से बहुत तो अच्छी तरह भी है, और अब व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरह। ठीक है कामिर कुरैशी, लौटेंगे आपके पास मेरठ चलेंगे, जहां से निखिल अग्रवाल और जानकारी देंगे। निखिल, मेरठ में कई सेंटर्स हैं जहां पर एग्जाम कराई जा रहे हैं, आप किस सेंटर के बाहर इस समय मौजूद है, काफी चहलकदमी आपके पीछे देखी जा सकती है, आप भी कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत कर सकते हैं। यहां पर कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहां पर ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो परीक्षा हो रही है उसमें चेकिंग पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा सख्त है, और इस बार परीक्षा जो उनके सामने पेपर आ रहा है वो पिछली बार की तुलना में आसान भी आ रहा है। तो चेहरे सबके यहाँ पर खिलखिलाए हुए हैं, लेकिन मेरठ से कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं ये आप बताएंगे। बिल्कुल, मेरठ की तस्वीरों की मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं लाइन लगी है और यहाँ पर चेकिंग हो रही है, ये महिलाओं की लाइन है जहां पर चेकिंग हो रही है, और इसके अलावा ये पुरुषों की लाइन है, दोनों अलग अलग लाइन लगी है। और हम इस समय खड़े हैं मेरठ के RGPG कॉलेज पे, जहां बड़ा सेंटर बना है। मेरठ में 36 सेंटर है और करीब 38,700 परीक्षार्थियों का पंजीकरण हुआ, लेकिन 35% छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी है, लेकिन उसके बावजूद छात्रों का उत्साह कम नहीं है, और छात्र इसी बात से गदगद हैं कि नकल विहीन परीक्षा, यानी जो पढ़ेगा वही जाएगा आगे, वही यूपी पुलिस का हिस्सा बनेगा। आप बताएं क्या क्या सोचकर आज परीक्षा देने आई है, क्या पास होंगी? हाँ, पास होंगे। कैसी व्यवस्था है सरकार की? सही, अच्छी है। हाँ। आप बताएं यूपी पुलिस का हिस्सा कौन कौन बनेगा, जो नकल विहीन परीक्षा हो रही है क्या सरकार उसमें सफल हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यूपी की परीक्षा में क्या, यूपी पुलिस की परीक्षा में क्या सरकार सफल हो रही है नकल विहीन परीक्षा कराने में? नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छात्रों का जो उत्साह है वो अभी, क्योंकि एग्जाम है, आज तीसरा दिन है, तो थोड़ा टेंशन का माहौल जरूर है, क्योंकि आज तीसरा दिन है और दो पाली में परीक्षा होनी है, सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी। आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें लग गई है, हाथ में एनरोलमेंट नंबर है, पेन है, इसके अलावा कोई भी ऐसी सामग्री ले जाने की इजाजत नहीं है जो
अंदर नकल का साधन बन सके, यानी यूपी सरकार पूरी तरीके से फोकस्ड है नकल विहीन परीक्षा कराने को। बिल्कुल, नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए योगी सरकार ने जिस तरह के प्रयास किए उनकी सराहना की जा रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें गड़बड़ी की कोशिश के आरोप में कुल 17 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। 15 पर FIR दर्ज हो चुकी है। लखनऊ पुलिस और STF ने इन्हें गिरफ्तार किया है। सहारनपुर से 3 है, गोरखपुर, कानपुर, मथुरा, मऊ से 2-2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आगरा, लखनऊ, महाराजगंज, ललितपुर, रायबरेली, फिरोजाबाद से 1-1 आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में अभ्यर्थी, दलाल और सॉल्वर शामिल है। और भी आरोप कहीं लगे हैं इन लोगों पे। ये भी कहा जा रहा है कि कई अभ्यर्थियों ने भी उम्र कम कराने के लिए 10वीं की फर्जी मार्कशीट लगाई है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन में भी गड़बड़ी है। नाम बदलकर, उम्र कम करके, हाई स्कूल पास का सर्टिफिकेट इस्तेमाल करके ये लोग एग्जाम देने के लिए जो पहुंचे हैं इनकी गिरफ्तारी की गई है। ब्लूटूथ डिवाइस, एयरफोन के इस्तेमाल करने वालों को भी गिरफ्तार किया है। तो देखिए, इतनी सख्त बंदोबस्त के बीच में भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी या सॉल्वर गैंग जो हैं अपने मुकाम में कामयाबी पाने के लिए जुटे हुए हैं, लेकिन इस बार सफलता हाथ नहीं मिल रही है सॉल्वर गैंग को, क्योंकि यूपी पुलिस की तैयारी के आगे सारी कोशिशें पस्त नजर आ रही है सॉल्वर गैंग। तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों की भीड़ हर जगह देखने को मिल रही है और हर दिन ये भीड़ बढ़ रही है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में अभ्यर्थियों का मेला लगा हुआ है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने यहां से एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। भर्ती परीक्षा को लेकर जहां एक और प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी कमर कसी है, तो वहीं छात्रों का भी आना जारी है, क्योंकि 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त में ये परीक्षा होनी है। और 25 अगस्त की परीक्षा के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो परीक्षार्थी हैं या स्टूडेंट्स हैं किस तरह यहाँ सेंट्रल स्टेशन पहुँच चुके हैं। अगर कानपुर के सेंट्रल स्टेशन की बात की जाए तो 25,000 से ज़्यादा यहाँ छात्र पहुँच चुके हैं और अपने क्योंकि सेंटर्स में इनको जाना है, तो इसलिए कानपुर के अगर होटल्स की बात की जाए तो होटल सारे फुल चल रहे हैं, लॉज, रेस्टोरेंट सारे फुल चल रहे हैं। और ऐसे में ये प्लेटफॉर्म ही इनके लिए एक ऐसा सहारा है जहाँ अपनी फैमिली के साथ, कोई भाई के साथ, कोई बहन के साथ, कोई फैमिली मेम्बर्स के साथ यहाँ मौजूद है। और पूरी रात, अब क्योंकि देर रात हो चुकी है, लगभग 1:30 बजे का समय होने को है और कहा जाए तो ये रात, और ऐसे में जहाँ तक कैमरे की नज़र आ रही है, छात्र यानी जो स्टूडेंट्स हैं, जो है परीक्षार्थी हैं यहाँ मौजूद है, और इनकी सुरक्षा के लिए पुलिस और PSC भी तैनात कर दी गई है, क्योंकि जिस प्रकार से इतने छात्र यहाँ एक साथ पहुँचे हैं, ये भी GRP के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनको कैसे सुरक्षित रखें और यहाँ से वो कैसे अपने सेंटर्स जाएँ, क्योंकि दोबारा इनको 25 तारीख को फर्स्ट किसी की पहली पारी है, किसी की दूसरी पारी, और ऐसे में यहाँ से दूसरे ट्रेन के माध्यम उनको अपने डेस्टिनेशन पहुँचने का भी GRP इंतजाम कर रही है और रेलवे ने भी स्पेशल ट्रेन लगाई, और ऐसे में अभ्यर्थी भी यहाँ पहुँच रहे हैं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, News18 कानपुर।